तो मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों केबीएस पीआरटी में रिज़ल्ट में लोग बोल रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और रिज़ल्ट दोबारा से आना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले एक चीज़ मैं कहूंगा कि अगर आप लोग अपना परिणाम नहीं चेक किए हैं तो जाकर के परिणाम को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर चलिए मैं आप सभी को इसकी जो पीडीएफ आई है इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर चलिए गूगल पे चलता हूं। दोस्तों इसके लिए हमको अपने मोबाइल के ब्राउजर पे आ जाना होगा, यहां पर सर्च करना होगा जानकारी फॉरएवर। जैसे ही जानकारी फॉरएवर सर्च करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, सबसे ऊपर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। सिंपली बच्चों हमको यहीं पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आप सभी के सामने देखने को मिल जाता है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके चलेंगे रिजल्ट के सेक्शन में, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर केबीएस पीआरटी रिजल्ट, ठीक है। तो सिंपली हमको बच्चों यहीं पर क्लिक करना होगा और जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले आएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट के लिए पीडीएफ का लिंक है। तो सिंपली दोस्तों हमको इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आप लोगों के पास खुल जाएगी और ये देख सकते हैं आप लोगों का जो है रिजल्ट, जिनका जिनका चयन हुआ है उनका पीडीएफ में नाम आ चुका है। तो जाकर के चेकआउट करिए। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए।